जी भगत जी, साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी। ओम भगत जी, सब ठीक? कैसे हो? हाँ, सब परमात्मा की दया है। ठीक है साहिब बंदगी। सतनाम साहिब भगत जी, अपने कुछ प्रश्न थे तो अपन क्या है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो इसके बारे में कुछ खुलासा करें। हाँ हाँ भगत जी, बताओ, करो खुलासा। कुछ प्रश्न ये कि महाभारत में और अभिमन्यु द्रोणाचार्य, ये सो कौरव, ये अर्जुन, ये कौन थे, क्या थे ये? अच्छा, महाभारत का प्रसंग पूछना चाह रहे हो? हाँ जी। देखो, महाभारत में, महाभारत की जो लड़ाई है वो कई लोग तो इसको हकीकत मानते हैं जी, और कई लोग इसको उपमात्मक तरीका मानते हैं, मतलब इसको ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। हाँ जी। कि कहानी, जैसे अपन कोई उदाहरण देते हैं ना, हाँ जी, ज्ञान को समझाने के लिए, वैसे उदाहरण माना गया है। हाँ जी। तो संत मत के हिसाब से ये उपमात्मक कहानियां है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। अब जैसा आपने पूछा कि सो कौरव क्या है, तो सो कौरव हमारा ये पूरा शरीर है। वो कैसे? वो कैसे? अब इसको आप गिनते जाओ, जैसे पांच तत्व है जी, 25 प्रकृति, कितने हो गए? 30 हो गए। फिर तीन गुण? 33 हो गए। 33 हो गए। हाँ जी। फिर आता है ये 33 हो गया, और उसके बाद में आ गया सात चक्र। सात चक्र, हाँ। 40 40 40 हो गए। हाँ जी। और पांच कोश? 45 हो गए। 45 और छह विकार? 51 हो गए। 51 और 49 पवन? हाँ जी, 100 हो गए। इस तरह से 100 है, मतलब कई जगह विकारों को पांच विकार बताया, लेकिन एक्चुअली में विकार छह हैं। और 49 क्या है? पवन। हाँ, 49 पवन जी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा शरीर है ना, इन 100 बीघा का खेत बोला गया है। हाँ जी। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि 100 बीघा का खेत में करता राम रुखाड़ी है। वाह जी, वाह जी, वाह जी, बहुत अच्छी। तो ये जो राम रुखाड़ी है, ये जो जीव है ना। हाँ जी। ये मतलब रुखाड़ी, रुखाड़ी का मतलब रखवाला, रखवाला। तो शरीर की रखवाला कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है, निरंजन कर रहा है। तो अभी ये समझना है कि हमारा जो शरीर है वो 100 कौरवों के उपमात्मक है। हाँ जी। मतलब 100 कौरवों की उपमा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान ये पांच तत्व, 25 प्रकृति, तीन गुण, छह विकार, पांच कोश, सात चक्र और 49 पवन, इस तरह से दे रखा है जी भगत जी। इस तरह से 100 कौरव है। हाँ जी। अब 100 कौरव यानी हमारा जो शरीर में जो विद्यमान है। अब जैसे द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य किसके पक्ष में लड़े? कौरवों के पक्ष में। कौरवों के पक्ष में लड़े, है ना जी। तो यानी हमारा जो शरीर है उसके पक्ष में शरीर की ओर निरंजन बैठा है जी, द्रोणाचार्य रूपी निरंजन जी, काल निरंजन, है ना जी। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान सात चक्र हैं, हाँ जी, ये सात व्यूह रचना अभिमन्यु रूपी जीव को फंसाने के लिए की गई है। हाँ, वो कौन कौन? अभिमन्यु है, वो है जीव। हाँ जी। अभिमन्यु कौन है? वो है जीव। जीव, जीव। उसको फंसाने के लिए सात व्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य जी ने की, निरंजन ने। सही है, सही है, बिल्कुल ओके। अब महाभारत की कहानी को ये समझना पड़ेगा कि अभी अर्जुन और जो उसकी जो पत्नी थी सुभद्रा, उनको बचपन के अंदर कहानी, वो ये सात चक्रों को भेदने की कहानी सुनाते हैं। हाँ जी। जिस समय अभिमन्यु गर्भ में था। हाँ जी। तो कहने का मतलब वो नींद में सो गया और वो गर्भ की जो बात है वो पूरी नहीं सुन पाया, पूरी सुन नहीं पाया, है ना। अब अगर वो बाहर आकर के, यानी जन्म लेने के बाद वो अपने पिताजी से पूछ लेता कि गुरुजी
अब मुझे घुसने का तो रास्ता पता है, बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं है। हाँ जी, अपने पिताजी से पूछ लेता, जो अर्जुन है वो उसका गुरु है। हाँ जी, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गर्भ का जो स्मरण है, हाँ जी, वो अपने गुरु रूपी अर्जुन से पूछ लेता तो शायद वो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। हाँ जी, गुरु वो तो, गया, अर्जुन हो गया। हाँ, गुरु अर्जुन हो गया, ठीक है भगत जी। और अभिमन्यु जो है वो शिष्य है, जीव रूपी शिष्य। हाँ, द्रोणाचार्य भी काल निरंजन। हाँ, काल निरंजन जो 7 चक्रों की रचना हमारे शरीर में कर रहा है, ठीक है जी भगत जी, बहुत जीव को बचाने के लिए। और जीव क्या है, अपनी मर्जी से, क्योंकि अभिमन्यु उस 7 चक्रों में अपनी मर्जी से आया है, तो जीव अपनी मर्जी से आ गया, लेकिन वो घुसना तो जान गया लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता है। हाँ जी भगत, है ना। तो ये चीज है, तो यदि वो गर्भ काल के अंदर यानी मोह रूपी निद्रा के अंदर सोता नहीं, हाँ जी भगत, है ना, अज्ञान की नींद में सोता नहीं वो अभिमन्यु, तो शायद वो गर्भ काल में ही वो ज्ञान सुन लेता। बहुत सुंदर। तो गर्भ का जो ज्ञान है, गर्भ का जो संवाद है, वही बाहर का गुरु हमें जो संवाद सुनाए। गुरु गर्भ का जो स्मरण है, वो सिमरण है, वो हमें करवाए, वही सच्चा गुरु, अर्जुन रूपी सच्चा गुरु है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, ये चीज है साहब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज है, निरंजन जो है, जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, सुना होगा कि अभिमन्यु को और अर्जुन को दूर करने के लिए काल निरंजन ने बहुत प्रकार के पैंतरे बदले थे, तभी तो अर्जुन और अभिमन्यु दूर हो गया था। हाँ जी, महाभारत के युद्ध में जब व्यूह की रचना, तभी तो कर पाए। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि गुरु और शिष्य के बीच में ये जो निरंजन है वो मतभेद करा देता है, तभी शिष्य और गुरु में मतभेद होता है। बिल्कुल सही बात, ये चीज है, बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब गुरु के मत में तो मतभेद नहीं होता है और शिष्यों के बीच में मतभेद होता है। हाँ जी, है ना। हाँ जी, तो ये चीज समझना है, बहुत अच्छी बात होता है भगत जी आपने। ठीक है भगत जी, ये मतलब कहानियां उपमात्मक है, मतलब प्रतीकात्मक है, हकीकत नहीं है। ठीक है भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। गुरुदेव जी की कृपा है, सब गुरुदेव जी की कृपा है, उन्हीं के ज्ञान से ये चीज मैं समझा पा रहा हूँ। गुरुदेव जी की कृपा बनी रहे और ऐसा ही ज्ञान हमारे को भी मिलता रहे, इसलिए हम बहुत आभारी हैं आपके। नहीं, आभारी गुरुदेव जी का। जय गुरुदेव, सतनाम साहिब बंदी, साहिब बंदी की सतनाम जी।